ऑटोमोबाइल कंपनी अशोक लेलैंड का फाइनेंशियल ईयर 2024 के फोर्थ क्वार्टर्स में नेट प्रॉफिट 20% के ग्रोथ के साथ 900 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल के सिमिलर क्वार्टर्स में यह 751 करोड़ रुपए था। वही कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3% से गिरकर 11,266 करोड़ रुपए रहे, जो पिछले साल के सेम पीरियड में 11,625 करोड़ रुपए था। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के 1380 करोड़ से 90% से बढ़कर 2618 करोड़ तक बढ़ा है। तो पूरे साल के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6% ईयर ऑन ईयर से बढ़कर 38,367 करोड़ रुपए हो गया है। इस पर कंपनी ने कहा है कि ये रिजल्ट्स ऑलराउंड परफॉर्मेंस से बैक्ड है, जिसमें सभी बिजनेस वर्टिकल्स शामिल है। अशोक लेलैंड ने मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल बस सेगमेंट में अपनी पोजीशन को मजबूत करते हुए मार्केट लीडर बन गया है। इस सेगमेंट में उन्होंने अपना मार्केट शेयर 5.8% से बढ़ाया है, जो उनके लिए एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। कंपनी ने ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल वॉल्यूम्स में 1,94,553 यूनिट्स का रिकॉर्ड किया है, जो पिछले हाई 1,97,366 यूनिट्स के बहुत करीब था। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के मुकाबले बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है और कमर्शियल व्हीकल सेल्स में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। ये परफॉर्मेंस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताता है कि कंपनी ने मार्केट कंडीशंस के बावजूद अपने सेल्स और मार्केट शेयर को इफेक्टिवली मैनेज किया है। मार्केट लीडरशिप और हाई सेल्स वॉल्यूम दिखाते हैं कि अशोक लेलैंड के प्रोडक्ट्स की डिमांड स्ट्रांग है और उन्होंने ऑपरेशंस और मार्केट स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है। तो दूसरी ओर अशोक लेलैंड लिमिटेड के चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने स्टेटमेंट दिया है कि कंपनी के टारगेट मार्केट्स में एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स 5% तक बढ़ गए, और वो भी ग्लोबल मार्केट्स में चैलेंजिंग कंडीशंस होने के बावजूद। उन्होंने बताया कि पावर सॉल्यूशंस और डिफेंस बिजनेस में भी इंप्रेसिव ग्रोथ देखी गई है, जो कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को और भी मजबूत बनाता है। उन्होंने आगे कहा है कि वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अपनी इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में ऑप्टिमिस्टिक है। उनका ये ऑप्टिमिज्म इंडियन इकोनॉमी में एक्सपेक्टेड रोबस्ट ग्रोथ की उम्मीद पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को लगता है कि आने वाले समय में उनकी इंडस्ट्री में अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है और वो इस ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने के लिए तैयार है।